नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। स्टूडेंट फरमाइश पे आज हम लोग एक पजल करेंगे। अब मैं मानता हूँ कि ये पजल उतना भी हाई लेवल नहीं है, बस आपका बेसिक बनाने के लिए और आपका प्रैक्टिस बरकरार रखने के लिए ये पजल बिल्कुल आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहला जो पजल है आपके सामने आ चुका है, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से इसको सॉल्व करें। अगर जितना टाइम लगता है देख लीजिए, अगर आप इसको 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं तो बिल्कुल आपके लिए सही होगा। और ये थोड़ा सा टिक्की वाला पजल है, तो समझते हैं दोस्तों। जो पजल मैंने लिया हुआ है इसको छोटे से जगह पर लिख दिया है मैंने, ताकि मैं कंडीशन को भी नोट कर सकूँ और आपके साथ साथ मैं खुद भी सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं दोस्तों, इस पजल को पढ़ते हैं, समझते हैं। 9 पर्सन आ दिया जो अप्रैल, अगस्त और नवंबर के महीने में पैदा हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओनली 3 पर्सन बॉर्न इन एनी ऑफ द मंथ, यानी अप्रैल के महीने में 3 इंसान जन्म लिए हैं, अगस्त में 3 और नवंबर में 3। ओके, 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड एल, देखो पी और एल के बीच 1 इंसान जन्म लिए हैं। बस ये है कि दोस्तों आप इस कंडीशन को देखते ही स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, पी एक एल ऐसा हुआ, पी एक एल ऐसा हुआ, पी एक एल ऐसा हुआ, कितने कंडीशन ऐसे करते जाओगे, ऐसे मत करना। यहाँ पे बोला है, ठीक बोला है कि पी और एल के बीच 1 इंसान है, थोड़ा आगे पढ़ लो ना, उसके बाद तो दिया है पी और एल डज नॉट बर्न इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी पी और एल ने जो जन्म लिया है इवन नंबर ऑफ डेज में जन्म लिया है। अच्छा, मैंने ये जो एरो देखा है इसका मीनिंग क्या है, कि इसका मीनिंग ये है कि पी और एल के बीच 1 इंसान तो है, पी ऊपर आ सकता है एल नीचे, या तो फिर एल ऊपर आके पी नीचे हो सकता है, तो ऐसा भी तो केसेस हो सकते हैं ना। तो ये अप्रैल जो होता है 30 वाला मंथ होता है, अगस्त 31 वाला मंथ होता है, नवंबर 30 वाला मंथ होता है। पी और एल के बीच 1 इंसान और इवन नंबर ऑफ डेज, तो यानी पी ऐसा हो कि 1 छोड़ के एल यहाँ पे होगा, या तो फिर एल 1 छोड़ के यहाँ पी होगा। इवन नंबर ऑफ डेज में इन दोनों को जन्म होना है, तो पी 1 छोड़ के एल यहाँ होगा, या एल 1 छोड़ के पी ऐसा होगा। एक एक्स्ट्रा केस मैंने लिया हुआ, अगर देखते हैं अगर आगे चल के कोई जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली इसको भी हम ले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। 4 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच 4 इंसान है, 1 2 3 4, एन यहाँ पे होगा, 1 2 3 4, एन यहाँ पे होगा, 1 2 3 4, एन यहाँ पे होगा, 1 2 3 4, एन यहाँ पे होगा। ओके, डन। द वन बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर एन, इमिडिएटली आफ्टर एन वॉज बॉर्न ऑन 30th, यानी एन के बाद जिसने जन्म लिया वो 30 में पैदा हुआ, यानी नवंबर 30 में पैदा हुआ ही इस वाले केस में। यहाँ पे ऐसा है, और एन के बाद 30, एन के बाद 30, इमिडिएटली बोला है। एफ वॉज बॉर्न ऑन 26th बट नॉट इन द मंथ ऑफ एन। ओके, तो एफ 26 में जन्म लिया है, और एफ और एन सेम मंथ में नहीं आएंगे। ओके, डन। जे वॉज बॉर्न ऑन 23rd एंड इमिडिएटली बिफोर एफ बट नॉट इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, यानी जे वॉज बॉर्न ऑन 23rd इमिडिएटली बिफोर एफ, यानी एफ जो है यहाँ पे ले आया मैंने इमिडिएटली बिफोर, यानी ऐसा कंडीशन बनेगा, बट नॉट इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, यानी जे जो है इवन नंबर ऑफ डेज में जन्म नहीं लिया, यानी जे जो है वो ऑड नंबर में जन्म लिया है। ऑड यानी कौन है, बस एक ही तो केस है, अगस्त में जन्म लिया है। ठीक, इतना समझे कि नहीं समझे, इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, ये वाला अगस्त है, डन। ओके, द वन हु वॉज बॉर्न बिफोर जी वॉज बॉर्न ऑन 11th, जी के आगे जो भी जन्म लिया है वो 11वां नंबर, मतलब 11th ऑफ द मंथ में जन्म लिया है, चाहे वो नवंबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड जे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड ओ, यानी एस और जे के बीच जितने इंसान हैं जी और ओ के बीच भी उतने ही इंसान है। दिस एरो शोज इनके बीच, और ये एरो दिखाता है कि एस और जे ऐसे हो सकते हैं या जे और एस ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर जाना। यू वॉज बॉर्न ऑन 18th ऑफ द मंथ, यू जो जन्म लिया है वो 18 तारीख को जन्म लिया है। बर्थ डेट, माई डियर प्लीज कंसंट्रेट इन ऑन दिस वर्ड, बर्थ डेट बोला है, ऑफ पी इज इमिडिएटली नेक्स्ट टू दैट ऑफ जे, जे का जन्म तिथि जो है 23rd है, तो पी का जन्म तिथि क्या होगा, 24, बर्थ डेट बोला है, डेट, पी इज इमिडिएटली नेक्स्ट टू दैट ऑफ जे, यानी जे के बाद पी इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, बिकॉज जे इज इक्वल टू 23 है। ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच 1 इंसान है,
यानी ये ऐसा हो सकता है, ओ ऊपर भी आ सकता है, एफ नीचे भी आ सकता है, एंड बोथ वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, यानी ये दोनों सेम मंथ में तो जन्म नहीं लिए हैं। इतना समझ में आया सबको? नेक्स्ट पे आते हैं, द वन हु बॉर्न इमिडिएटली बिफोर एल वॉज बॉर्न ऑन 29th, यानी एल से पहले जो जन्म लिया है इमिडिएटली बिफोर 29th। यहाँ पे तो ऊपर जगह नहीं है, तो ये केस तो गया, फिर एलिमिनेट हो गया ये केस। ओके तो ये हो जाएगा 29th, ये हो जाएगा 29th। ओके फिर क्या दिया है, वन ऑफ द पर्सन बॉर्न ऑन 17th इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल के 17 तारीख में एक इंसान जन्म लिया है। ओके नेक्स्ट, देयर आर एज मेनी डेज, माई डियर यूज दिस वर्ड, कंसंट्रेट ऑन दिस वर्ड, एज मेनी डेज बिटवीन बर्थडेज ऑफ एल एंड यू एज बिटवीन यू एंड पी, एल और यू के बीच जितने दिन हैं, जितना दिन है यू और पी के बीच भी उतना ही दिन है। बात समझे? डिड यू गेट इट और नॉट? अच्छा मुझे एक बात बोलो, पी कितने में है जन्म लिया है? 24th में जन्म लिया है। पी कितने में जन्म लिया है? 24th में जन्म लिया है। पी कितने में जन्म लिया है? 24th में जन्म लिया है। अच्छा पी 24 है, एल और यू, और यू और पी के बीच जो डिफरेंस होगा बराबर होगा, तो एल यहाँ पे है, ठीक है। एल का कोई एक ऐसा वैल्यू बोलो कि एल और यू के बीच जो डिफरेंस आएगा वो यू और पी के बीच भी उतना ही डिफरेंस आएगा। मुझे एक बात बोलो, पी और यू के बीच डिफरेंस कितना है? 6। कितना डिफरेंस है? ये 18 है, ये 24 है, तो 6। तो एल और यू के बीच का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए? 6। यू और पी के बीच का डिफरेंस 6 है, देखो ना यहाँ पे, तो ठीक उसी तरह एल और यू का बीच भी डिफरेंस कितना आना चाहिए? 6। तो 18 माइनस 6 12 हो सकता है, नहीं तो 18 प्लस 6 24 हो सकता है, लेकिन 24 तो ऑलरेडी पी जन्म हुआ है, तो एल कितने में जन्म होगा? 12 तारीख। तो एल कितने में जन्म होगा? 12 तारीख। एल कितने में जन्म होगा? 12 तारीख। एल कितने में जन्म होगा? 12 तारीख। बात समझे? इसको मिटा देता हूं मैं। कुछ मिट गया शायद, एस और जी के, अरे इसको मिटा दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या था देखो, एस और जी का कोई कंडीशन था जिसको मैंने मिटा दिया अभी। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एस एंड जे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड ओ, इसको मिटा दिया था मैंने। एस और जे के बीच जितने हैं पी, सॉरी जी और ओ के बीच उतने ही इंसान हैं, है ना, ये पर्सन के बारे में बता रहा है। ओके तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है फिर। ओके देखो यहाँ पे समझो आप लोग, यहाँ पे कंडीशन बोल रखा है कि अप्रैल में एक 17 तारीख में जन्म होने वाले एक इंसान है, लेकिन यहाँ पे तो अप्रैल पूरा फिल हो गया है, 24 29 और 12, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया, ये केस एलिमिनेट हो गया, ये केस हो ही नहीं सकता। बात समझे नहीं समझे? तो वी आर मूविंग विद टू केसेस राइट नाउ। ओके ओके और क्या कंडीशन हम देखें? और कुछ कंडीशन से तो बोलिए। अच्छा J23 F26, और अगस्त मंथ में जे जन्म होगा, तो अगस्त मंथ में जे यहाँ पे जन्म हुआ तो एफ उसके बराबर नीचे आएगा, लेकिन जे का तो 23 है, तो जे का यहाँ तो 30 हो गया, तो ये केस भी गया, ये केस भी गया, ये केस भी गया। ओके तो जे यहाँ पे आके एफ यहाँ पे आएगा, जे इज इक्वल टू 23, एफ इज इक्वल टू कितना दिया है? 26 बराबर, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। यू डू गेट इट? एक और चीज है दोस्तों, एफ और ओ के बीच एक इंसान है, एफ और ओ यानी एक छोड़ के ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, एक छोड़ के ओ यहाँ पे ही आएगा, और एफ और ओ सेम मंथ में नहीं होना चाहिए, एफ और ओ ये अगस्त में है, ये अप्रैल में है, तो ये भी ठीक है, बराबर है, कंडीशन में गया। देखो मैं कंडीशन को रिलेट कर रहा हूं, ऐसा है कि एफ को जैसे मैंने लिख दिया ना जे एफ, उसके बाद मैंने देखा कि एफ के साथ क्या लिंक था, एफ और ओ एक आई लिंक था, तो उसको मैंने यूज किया। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो जरा, एस और जे के बीच जितने इंसान हैं, जी और ओ के बीच उतने इंसान आना चाहिए, ठीक है। अगर मानो ये ओ है, यहाँ पे जी रखता तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता, क्यों? क्योंकि जी के ऊपर भी कोई एक इंसान है जो 11 तारीख में जन्म लिया है, तो जी यहाँ पे तो नहीं आएगा, ऊपर में तो नहीं आएगा, जी आएगा कहाँ पे? जी नीचे आएगा, ओ यानी ओ यहाँ पे है, तो मान लो कि मैं जी को यहाँ पे एक रख सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक रख सकता हूँ। बात समझे ना? अभी भी कोई मतलब दो केसेस बन जाते हैं। तो मान लो मैंने जी को यहाँ रखा,
तो जी और ओ के बीच कितने इंसान आए, दो इंसान। तो एस और जे के बीच भी दो इंसान आना चाहिए, तो एस अगर मैंने यहाँ पे रखा दो इंसान आ रहा है तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर जी पे यहाँ पे रखता, अगर जी को यहाँ पे रखता तो जी और ओ के बीच कितने इंसान होते, एक दो तीन चार इंसान होते। तो एस और जे के बीच भी चार इंसान होना चाहिए था। तो एस अगर यहाँ रखता तो एक इंसान, तो समझ जाओ मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक। तो या अगर आप समझ भी नहीं पा रहे तो दो केसेस और बना देता हूँ, चलो आपकी खुशी के लिए मैं दो केस और बना देता हूँ, अगर मेरे पास जगह है तो मैं क्यों नहीं बनाऊँ। ये वाला केस को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो एल इज इक्वल टू 12 है, ये 29 है, ये एफ इज इक्वल टू 26 है, जे इज इक्वल टू 23 है, ओ इज इक्वल टू 30 है और एन इज इक्वल टू ऐसा है। और मैंने एक केस में एस यहाँ पे ऐसा करता हूँ, जस्ट मिनट छोड़ो इसको, बात समझे। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये बोला था कि जी और ओ के बीच, तो जी यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे ऊपर तो नहीं आ सकता, बिकॉज ऊपर आया तो फिर उसके ऊपर फिर 11 वाला इंसान होगा, इसके ऊपर तो जगह है ही नहीं, तो जी यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा। तो इस वाले केस में मैं जी को यहाँ रख देता हूँ, चलो, और इस वाले केस में ये पी है 24, और इस वाले केस में मैं जी को यहाँ रख देता हूँ, चलो खुश। अब देखो जी और ओ के बीच जितने इंसान होंगे, कितने इंसान है, एक दो तीन चार इंसान है। तो एस और जे के बीच भी चार इंसान होना चाहिए। तो एस अगर यहाँ रखा तो एक इंसान आएगा, एस को यहाँ रखा एक दो इंसान आएगा, तो ये केस हो ही नहीं सकता, और तो जगह ही नहीं, बात समझे ना। तो जी डेफिनेटली कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली जहाँ पे ये रखा हूँ ये वहीं पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे रखा तो दो, जी और ओ के बीच दो इंसान है, तो एस और जे के बीच भी दो इंसान होना चाहिए, यानी एस यहाँ पे होगा, दो इंसान, बात समझे, ये केस भी गया। अब जी के ऊपर 11, तो हमें नहीं पता कि 11 ये होगा या ये होगा, बिल्कुल पता है, क्योंकि ये 11 होगा तब ये 17 होगा, क्यों, बिकॉज 11 के बाद तो 17 आता है ना, 17 के बाद 30, ये अप्रैल मंथ खत्म यहाँ पे, फिर अगस्त में देखो 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, ये अगस्त खत्म यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। तो ये भी हो गया। अब क्या दिया था, और कुछ कंडीशन हमने छोड़ दिया है शायद, एस और जे भी हो गया, अब कुछ बच गया है क्या। हाँ एक तो था ना, हमने मिटा दिया उसको गलती से, यू इज इक्वल टू 18 एक था, तो यू एक ही तो जगह बचा है, यू इज इक्वल टू 18 ये वाला है, ठीक। अब इसी के साथ आपका पजल बन जाता है, और एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, थम्सअप करिए, थैंक यू वेरी मच, अपने दोस्तों के शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड एंजॉय दिस वीडियो अगेन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।